मुरादाबाद थाना नगर कोतवाली में 3 जून 2024 को कोतवाली पुलिस एसओजी बस सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी कॉल सेंटर का संचालन एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक खाता खुलवाकर बेरोजगार लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले नौ शातर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लैपटॉप और 10 सिम कार्ड, 12 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड, 11 डेबिट कार्ड, 2 डिवाइस, लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, 11 मोबाइल इनके कब्जे से बरामद किए। जो अभियुक्त शातिर किस्म के लोग हैं। पहला अभियुक्त शैलेंद्र पुत्र जगपाल सिंह निवासी सुल्तानपुर की मनिया थाना रहरा जनपद अमरोहा। दूसरा अभियुक्त अमित पुत्र जगदेव निवासी सुल्तानपुर की मनिया रहरा जनपद अमरोहा। तीसरा टिंकू पुत्र देवेंद्र कुमार निवासी ग्राम साकरी पर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर। चौथ पिंटू सिंह पुत्र ओम सिंह निवासी शाहपुर कला थाना हसनपुर जनपद अमरोहा। पांचवा अभियुक्त अर्जुन पुत्र सुरेश सिंह निवासी कलावली डेज रैली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा। मुरादाबाद से सचिन राठौर की रिपोर्ट। की अरेस्टिंग हुई है जिसमें एक कौशलेंद्र पुत्र जगपाल है ये थाना रहरा के हैं, अमित पुत्र जगदेव है ये भी थाना रहरा जनपद अमरोहा के हैं, टिंकू पुत्र देवेंद्र है ये नूरपुर जनपद बिजनौर के हैं, पिंटू सिंह है ये हसनपुर का है, अर्जुन पुत्र सुरेश है ये थाना हसनपुर अमरोहा के हैं, अनुज पुत्र जगदेव सिंह ये थाना रहरा जनपद अमरोहा, अंकित पुत्र जगदेव, अनुज पुत्र रामोतार ये तीनों थाना रह रखे हैं और एक संचारपुर दुलसाद है ये थाना पिलारी के रहने वाले हैं और वर्तमान में भी जयंतपुर में रहते हैं। इन लोगों से बेसिकली इनको बैंक के अंदर फर्जी आधार कार्ड के साथ में अकाउंट खुलवाते हुए कुछ लोगों को उनसे पकड़ा गया था और फिर उनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली थी कि ये लोग इनोसेंट के लोग होते हैं, उनको बिकू बना के और उनके आधार कार्ड और उनसे अकाउंट नंबर खुलवाते हैं और उस अकाउंट नंबर में जो sign.com और जो naukri.com पे जो लोग अप्लाई करते हैं आवेदन करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनका डेटा ये चुरा के और उसके बाद में उन लोगों को कॉल करके उनको तमाम जो कंपनियों में जो नौकरी है उनका ऑफर ये देते थे और जैसे उनसे जो जो एयरलाइन कंपनी और ये तमाम जो कंपनी है उनमें पहले 150 रुपये का ट्रांसफर कराते थे, उसके बाद में उनसे इंटरव्यू लेने के नाम पर 550 रुपये, फिर उसके बाद में मेडिकल कराने के एवज में 2000-3000 रुपये और बाद में उनको जॉब का ऑफर लेटर इनके द्वारा प्रिंट किया जाता था कंप्यूटर से और उसके बाद में उनको मेल के माध्यम से वो ऑफर लेटर दिया जाता था और उसके बाद में करीब 5000-10000 इस तरीके से लोग पैसा लेते थे और जो आधार कार्ड का जो मतलब जो गरीब लोग थे लोग थे उनको लालच देके उनके आधार कार्ड के माध्यम से बैंक में जो अकाउंट खुलवाते थे उन्हीं अकाउंट्स में ये सारा पैसा जो जिन लोगों से कांटेक्ट करते थे उन सबको बोलते थे कि उन अकाउंट में डाल दें। इस तरीके से ये लोगों के द्वारा एक कॉल सेंटर टाइप का इन्होंने डेवलप कर दिया था और एक पूरा गैंग बना के ये लोग दिन भर सब लोगों को जो naukri.com और sign.com है वहाँ से डेटा लेके और उनको मैसेज करना, उनसे कॉल करना, फिर उनको ऑफर देना और फिर उनको फिर अपने सिकंजे में फंसा के उनसे पैसा इन अकाउंट्स में डलवाते थे। इस तरीके से इन लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से 2 बैग मिले हैं जिनमें 2 लैपटॉप मिले हैं, 10 सिम कार्ड मिले हैं, 12 आधार कार्ड अभी बरामद हुए हैं और 11 डेबिट कार्ड है, 8 पैन कार्ड हैं, इसके अलावा 11 मोबाइल फोन इनके पास से मिले हैं, करीब 24,980 रुपये मिला है और जो अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने जो लोगों को दिए हैं उनकी उनकी प्रिंटेड कॉपी इनके पास से मिली है, बैंक का स्टेटमेंट मिला है और तमाम लोगों से। इसके अलावा ये जो इस तरह के इनके सिमिलर ग्रुप के जो लोग थे और लोग उनको फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा के मतलब जो किसी जेन्युइन पर्सन का बैंक अकाउंट खुलवाते थे लेकिन उसका मिसयूज करने के लिए किसी दूसरे को थर्ड पार्टी को उसको सेल आउट कर देते थे, वो भी काम इनके द्वारा किया जा रहा था। तो अभी इनको हमने इनका पूरा डिटेल निकाला है, इनकी जांच की जा रही है और आज इनको IPC की धारा 420, 465, 467, 71 और 120B के तहत इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी इनसे और इनसे मतलब जो और इनकी जानकारी करके और इसमें भेजना के माध्यम से जो